ये कहानी है एक सिंपल सी लड़की हैन और एक बैड बॉय जियोन की, जिससे सब डरते हैं। हैन एक दिन स्कूल की वेबसाइट पे एक पोस्ट देख लेती है जिसमें जियोन ने उसके स्कूल की लड़कियों को कुछ गलत कहा होता है। हैन को ये पढ़ के बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस पोस्ट के रिस्पॉन्स में जियोन को एक गाली में जवाब दे देती है। हैन के इस रिप्लाई से जियोन बहुत भड़क जाता है और अब जियोन हैन को फोन पे धमकाना शुरू कर देता है। हैन को जब उसकी फ्रेंड से ये बात पता चलती है कि जियोन के गुस्से से स्कूल में सब लोग बहुत डरते हैं और उससे पंगा लेने की आज तक किसी ने भी हिम्मत नहीं की, तो वो भी अंदर से डर जाती है। एक दिन जब हैन एक सैलून में हेयर ट्रीटमेंट के लिए जाती है तो जियोन का उसके फोन पे कॉल आता है तो वो फोन नहीं उठाती। फिर थोड़ी देर बाद जियोन अपने फ्रेंड्स के साथ उसी सैलून में एंटर करता है और उसके पास वाली चेयर पर आकर बैठ जाता है। अब जियोन जब उसे वापस कॉल करता है तो वो फोन उठाकर जोर से उस पर चिल्लाती है। इससे सब लोग हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। इससे जियोन उसे पहचान लेता है और हैन की डर के मारे हालत खराब हो जाती है। फिर वो वहां से अपना बोरिया बिस्तर बांध के फौरन भागती है और जियोन उसके पीछे पीछे ही होता है। आज तो हैन जैसे तैसे बच निकलती है। अगले दिन स्कूल में जियोन का मैसेज आता है कि मुझसे स्कूल के गेट पर आकर मिलो और अगर तुम नहीं आए तो तुम गई काम से। हैन जब स्कूल के गेट के पास आती है तो देखती है कि वहां पर जियोन के फ्रेंड्स खड़े हैं। फिर वो जियोन से बचने के लिए स्कूल की दीवार फांद के कूदती है तो जियोन के ही ऊपर गिर जाती है और एक्सीडेंटली उसे किस कर देती है। फिर वो उठकर अपनी फ्रेंड के साथ वहां से चुपचाप जा रही होती है तो जियोन उसे आवाज मारकर रोक लेता है। जियोन हैन को उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है। हैन कहती है, इस बात का क्या मतलब हुआ? जियोन का फ्रेंड बोलता है कि जियोन ने आज तक किसी लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ा और तुमने तो आज इतना बड़ा कांड कर दिया, अब तो तुम्हें जियोन की गर्लफ्रेंड बनना ही पड़ेगा। हैन जब जियोन को मना करने लगती है तो जियोन उस पर जोर से चिल्लाता है और डर के मारे हैन को हाँ कहना पड़ता है। जियोन हैन के फोन में अपना नंबर डालता है और रात को उसे कॉल करने के लिए कहता है। रात को हैन के फोन में क्योंकि बैलेंस नहीं होता तो वो एक पब्लिक बूथ में जियोन को कॉल करने के लिए जाती है। तभी वहां पर एक बदतमीज सा आदमी आ जाता है और हैन को अपनी कार में जबरदस्त किडनैप करके ले जाने लगता है। तभी जियोन और उसके फ्रेंड्स वहां आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। जियोन हैन को उसके घर छोड़ने आता है। अगले दिन जियोन हैन के स्कूल के बाहर आ जाता है और उसे एक क्लब में आने के लिए कहता है। रात को क्लब में जियोन हैन और उसकी फ्रेंड को बात करते हुए सुनता है कि हैन का एक फ्रेंड जो यूएसए में पढ़ रहा है वो जल्दी आने वाला है। तो जियोन कहता है कि मैं जब तक तुम्हें डंप नहीं करूंगा तब तक तुम किसी और के बारे में सोचना भी मत। इस पर हैन कहती है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लब के बाहर आकर हैन जियोन का रोड क्रॉस करते टाइम हाथ पकड़ने लगती है तो वो ये बोलकर मना कर देता है कि मुझे किसी का खुद को टच करना पसंद नहीं है। हैन आई एम्बेरस फील करने लगती है। तभी वहां पर ह्योबिन और उसकी फ्रेंड्स आ जाते हैं। बिन वो लड़की है जो जियोन को पसंद करती है और जियोन के सामने वो खुद को जितना सीधा दिखाती है उतनी वो है नहीं। हैन जब जियोन के पीछे वहां से जाने लगती है तो बिन की फ्रेंड्स उसे पकड़कर बुली करने लगती हैं। वो लोग उसे कहती हैं कि इस चेहरे के साथ तुम घर से बाहर निकलती क्यों हो, तुम कितनी बदसूरत दिखती हो। इसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं कि जियोन हैन को बिलियर्ड्स खेलना सिखा रहा होता है। तभी जियोन का फ्रेंड हैन को बताता है कि जियोन को इतना अच्छा खेलना बिन ने सिखाया है। तो जियोन अपने फ्रेंड को बिन की बात करने से मना कर देता है। तभी वहां पर इन लोगों का एक राइवल गैंग आ जाता है और वो जियोन को फाइटिंग के लिए चैलेंज करता है और जियोन उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेता है। तभी इसके बाद वहां पर चेंग आ जाता है। चेंग बिन का भाई है और जियोन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसके बाद जियोन अपने फ्रेंड्स के साथ वहां से बाहर आ जाता है। अब जियोन और उसके फ्रेंड्स जब फाइटिंग वाले चैलेंज को पूरा करने के लिए पहुंचते हैं तो हैन और उसकी फ्रेंड भी वहीं छुपी होती हैं। तभी हैन को पता चलता है कि कुछ लड़के जियोन पर पीछे से वार करने वाले हैं तो वो जियोन को जोर से चिल्लाकर आगाह कर देती है और खुद भी उसे बचाने के लिए बीच में आ जाती है। इन सब में हैन को जोर से धक्का लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है। फिर एक लड़का उसे पकड़ के ले जा रहा होता है तो ये देखकर जियोन फौरन उसे बचाने के लिए आ जाता है और उस लड़के को वो बहुत मारता है। अब ये दोनों चारों तरफ से घिर जाते हैं तो जियोन को लगता है कि कहीं हैन को चोट ना लग जाए तो वो उसे अपने पीछे कर लेता है और उसे कहता है कि अपनी आंखें बंद कर लो और 100 तक गिनो। फिर जियोन की बहुत फाइटिंग होती है और उसे बहुत बुरी तरह चोटें लग जाती हैं। अब एक गार्डन के बेंच पे वो दोनों साथ में बैठे होते हैं तो हैन उसकी चोट को चेक करने के लिए उसे हाथ लगाती है पर तभी वो हाथ पीछे करके जियोन को सॉरी कहती है और कहती है कि तुम्हें किसी का टच करना पसंद नहीं है। तो जियोन कहता है कि कोई बात नहीं। इस पर हैन सोचने लगती है कि आज ऐसा क्या स्पेशल हो गया जो ये ऐसा बोल रहा है। इसके बाद जियोन हैन को अगले दिन अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है पर हैन कहती है कि मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरा फ्रेंड यूएसए से आ रहा है। इस पर जियोन उसे कहता है कि कुछ भी हो तुम्हें आना ही है। इस पर हैन उसे हाँ बोलकर वहां से चली जाती है।
अब अपने बर्थडे पर जियोन बड़ा सेलिब्रेशन करता है और वो हैन के लिए भी बहुत कुछ प्रिपेयर करता है, पर हैन अपने फ्रेंड मिन को लेने एयरपोर्ट पर चली जाती है और वो पार्टी नहीं अटेंड करती। जियोन सैड हो जाता है। हैन मिन के साथ गेम जोन में एंजॉय कर रही होती है तभी उसकी फ्रेंड वहां आकर उसे बताती है कि तुमने अपना फोन क्यों ऑफ किया हुआ है। जियोन बहुत गुस्से में है और बाहर ही है। इसके बाद जियोन हेबिन के साथ वहां आता है और वो मिन के साथ झगड़ा कर लेता है और उसको जोर से पंच मार देता है। इस पर हैन को गुस्सा आ जाता है और वो जियोन को बातें सुना देती है। जियोन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इधर हैन भी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। जब वो वॉशरूम में जाती है तो वहां वो राइवल गैंग के लड़के आ जाते हैं जिनसे जियोन ने फाइटिंग की थी। वो लड़के हैन को जियोन को फोन करके यहाँ बुलाने के लिए बोलते हैं। इस पर हैन उन लड़कों को बताती है कि हमने ब्रेकअप कर लिया है, तो वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और उसे धक्का मार के गिरा देते हैं। तभी बिन भी वहां आ जाती है और वो कहती है कि मैं जियोन की गर्लफ्रेंड हूँ। उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए वो जियोन को कॉल करके वहां बुलाने लगती है। तभी पीछे से हैन जोर से चिल्लाती है कि जियोन यहां मत आना, ये एक ट्रैप है। अब हैन की आवाज सुनकर जियोन अकेला ही वहां आ जाता है। जियोन को देखकर जब हैन उसकी तरफ आती है तो वो कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया। अब जियोन क्योंकि अकेला आया है तो ये सब लोग उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और उसको बहुत मारते हैं। जियोन बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। हैन हॉस्पिटल पहुंचती है तो बिन वहां पहले से बैठी होती है और वो हैन को कहती है कि तुम जियोन से मिलना बंद कर दो, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, प्लीज तुम उसे बोल दो कि तुम अब उसे कभी नहीं मिलोगी। हैन उसके आगे मजबूर फील करती है। अब जब जियोन को होश आता है तो बिन कहती है कि हैन ने कहा है कि अब वो तुमसे कभी नहीं मिलना चाहती। हैन वहां से रोते हुए चली जाती है। रात को जियोन हैन को फोन करता है और उसे प्राइमरी स्कूल में मिलने के लिए बुलाता है। वो नशे में होता है। हैन फौरन वहां जाती है और वो स्कूल के बैक गेट पर पूरी रात उसकी वेट करती है, पर वो नहीं आता। अगले दिन सुबह उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि जियोन ने कल पूरी रात मेन गेट के सामने तुम्हारा वेट किया, तुम कहाँ थी। हैन ये सुनकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और भाग के हॉस्पिटल पहुंचती है, पर जियोन उसे वहां से जाने के लिए कहता है। तभी बिन और उसकी फ्रेंड भी गुस्से में उसे जाने के लिए बोलती है, पर हैन उन सबको इग्नोर करके आगे बढ़कर जियोन के होठों पे किस कर देती है। बिन की फ्रेंड उसे बुली करने लगती है तो जियोन उसे वॉर्न करता है और वो हैन को धमकी देकर वहां से चली जाती है। सब लोग चले जाते हैं तो हैन जियोन को बताती है कि वो बैक गेट पर थी। इसके बाद दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है और दोनों फिर साथ हो जाते हैं। हैन और जियोन की लाइफ में और क्या क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।